स्टूडेंट्स, मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, हम अपने पिछली अवधि में समय नियोजन नामक पाठ को देख रहे थे ना, उसका अगला भाग आज हम देखेंगे। देखिए क्या दिया जा रहा है यहाँ पे। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक ठीक विभाजन कर लें। हम कब सक्सेस बन सकते हैं? जब हम अपने समय को ठीक तरह नियोजन कर लें, विभाजन कर लें, डिवाइड कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहे, रोज उसके बारे में हम देखते रहे ना? कितना समय में हमने क्या पूरा किया है, कितने काम को पूरा कर लिया है, रोज उसका लेखा जोखा करते रहे। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। वस्तुतः देखिए यहाँ पे क्या है, जो समय की कद्र करना, कद्र यानी कि रेस्पेक्ट, जो समय का रेस्पेक्ट करता है तो क्या सीख लेता है, वह वो सफलता का रहस्य समझ जाएगा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस को वह समझ लेगा। जो समय का जो रेस्पेक्ट करेगा वह सफलता का जो की है उसको समझ जाएगा, उसे पा लेगा, सीक्रेट को समझ जाएगा। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही अच्छा होगा। देखिए, हम अपने सफलता के लिए समय विभाजन को जितना शीघ्र कर ले, जितना जल्दी कर ले उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीष ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है। क्योंकि किसी मनीष ने, किसी एक व्यक्ति ने, किसी ज्ञानी ने, ज्ञानी व्यक्ति ने पहले ही बताया है। क्या बताया है? कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। जो समय है और जो लहरें है वह किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर अदर्स, इट्स पासिंग, इट्स गोइंग ओनली। सो जो लहरें है, लहरें यानी कि वेव्स, पानी का जो वेव्स है वो, और समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करते, किसी के लिए खड़े नहीं होते। इसलिए जितना जल्दी हम समझ लेंगे, समय का नियोजन कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए, वयस्कों की अपेक्षा, वयस्क की बड़े लोग, 18 साल से बड़े लोग, वयस्कों की अपेक्षा, उनकी तुलना करें तो विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। जो विद्यार्थियों के लिए समय पालन जो है, जो समय नियोजन जो है, वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, जो विद्यार्थी उनके लिए बहुत एक लंबा जीवन जीना है, और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है, जो सक्सेस के सक्सेस पा लेना है, ऊंची ऊंची मंजिल, मंजिल की महलें, यानी कि उसे बहुत ही सक्सेस बनना है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है, और क्या बोलते हैं, विद्यार्थी जीवन में जो आदतें, आदतें मीन्स हैबिट्स, विद्यार्थी जीवन में जो हैबिट्स पड़ जाते हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। वो क्या रहते हैं, होल लाइफ, उनके होल लाइफ बना रहता है वह हैबिट्स, आदतें। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है। विद्यालय में क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को समय तालिका, टाइम टेबल, आपको भी टाइम टेबल दिया जाता है, टाइम टेबल दी जाती है, लेकिन वह केवल 5 या 6 घंटे के लिए होती है। ओके, 5 या 6 घंटे, 5 to 6 घंटे से वह समय तालिका होती है। शेष 18 से 19 घंटों की भी कार्य तालिका बना ले, जो बचे हुए, शेष यानी कि बचा हुआ 18 से 19 जो घंटे हैं उनकी भी हमें कार्य तालिका बना लेनी चाहिए। तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, इस तरह जो काम करेंगे, समय का नियोजन कर लेंगे, वो क्या करेंगे, वो छात्र परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे, अपने जो परीक्षा रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं, उनमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों और अनेक कार्यक्रम तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए, खेलकूद, स्पोर्ट्स और व्यायाम, एक्सरसाइज आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे ना, जितना चाहिए उतना समय वह निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा से साथ पालन करना भी आवश्यक है। हाँ, समय पालन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका दृढ़ता से और निष्ठा से उसका पालन करना चाहिए। हम करते हैं, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, 1 या 2 दिन पढ़ लेते हैं सिर्फ, बाद में वापस टाइम टेबल को
भूल जाते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, उसे दृढ़ता से और निष्ठा से निष्ठा से उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन करना भी बहुत ही आवश्यक है, निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से, एग्जैक्ट समय में उस काम को पूरा करने पर करने से हमें जीवन में सफलता मिलती है, हमें जीवन में सफलता मिलती है। होता है ना, आज करे कल करे सो आज करे सो अब, इस तरह किसी भी काम को हमें आगे नहीं छोड़ देना चाहिए, कल करेंगे इस तरह नहीं बताना चाहिए, सभी कामों को समय रहते ही कर लेना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सक्सेस बन सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, समय का नियोजन किस तरह किया जाता है, और गांधी जी और नेहरू जी किस तरह अपने समय को पालन किए थे उनके बारे में बताया है, और विद्यार्थी जीवन में किस तरह समय पालन करना चाहिए, अच्छे अंक लाने के लिए, उत्तीर्ण बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पाठ में इस तरह दिया गया। ठीक है, यह पाठ आज खत्म हो गया। क्या करेंगे, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ देखेंगे। क्या दिया यहाँ पे, देखिए, आत्मविश्लेषण यानी कि स्वयं की जांच पड़ताल या वास्तविक स्वरूप को जानने की चेष्टा, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मविश्लेषण यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। आगे समयाभाव यानी कि समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम, देखिए वस्तुतः वास्तव में, इनफैक्ट यानी कि इनफैक्ट वस्तुतः वास्तव में, व्यस्तता, व्यस्तता यानी कि बिजनेस, काम में लगे रहना, बिजी बिजनेस। आगे अनिवार्य यानी कि जरूरी, नेसेसरी। दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे सहकर्मियों, साथ काम करने वाले को सहकर्मी बोलते हैं, कॉलीग्स। दर्शनार्थी, दर्शन करने का इच्छुक, विजिटर, दर्शनार्थी यानी कि विजिटर। विनिमय यानी कि आदान प्रदान, एक्सचेंज, एक्सचेंज कर लेना। सचेस्ट यानी कि सजग, कॉन्सियस, कॉन्सियसनेस बोलते हैं, सचेस्ट यानी कि कॉन्सियस। अनायास, अपने आप बिना प्रयत्न के, सडनली, इधर यानी ट्राई। आगे आध्यात्मिक, आत्मा और परमात्मा संबंधी, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल। मनन चिंतन यानी कि गंभीर सोच विचार, डीप थॉट और थिंकिंग। विषम यानी कि कठिन, डिफिकल्ट, विषम यानी कि डिफिकल्ट। समृद्धि यानी कि उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। मनीष यानी कि ज्ञानी या विशाल विचारशील पुरुष यानी कि स्कॉलर, मनीष यानी कि स्कॉलर। वयस्क, वयस्क यानी कि 18 वर्ष या उससे ऊपर वाला व्यक्ति, अडल्ट, वयस्क यानी कि अडल्ट। आगे जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर, होल लाइफ, ये क्या इस पाठ के शब्दार्थ हो गए। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, इसके जो प्रश्नोत्तर है उसको क्या करेंगे कल की अवधि में हम देखेंगे। धन्यवाद।